गुड इवनिंग मेरे क्लास 11 12th की प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन चल रहा है, और राइटिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 महत्वपूर्ण लेटर्स की श्रृंखला चल रही है, आज हम लोग इसमें लेटर नंबर 9 को देखेंगे, मींस नवे लेटर को करेंगे। और आज का ये लेटर यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ सेट का पूछा गया लेटर है, और इस 10 महत्वपूर्ण लेटर्स की श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक आपकी लेटर की 8 क्लास हो चुकी है, ये आपकी नवी क्लास है। इसके साथ साथ आपका रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है, आर्टिकल्स आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये दिन में से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11 12th की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है, शाम 7:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं, और पेड क्लास की बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 11 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। तो प्याचे यहां पर देखिए जो है 2022 की बोर्ड परीक्षा का आपका पेपर का पहला पेज है, और यहां पर देखिए ऊपर लिखा गया है 316 ईएफ लिखा गया है, जो प्याचे इस पेपर का कोड है, 316 ईएफ है, मतलब ईएफ कोड का आपका ये पेपर है। और इस पेपर में आपका अंक जो है लेटर कैसे आया हुआ है यहां पर देखिए आपका दिए हुए हैं। तीसरे प्रश्न के रूप में देखिए दो लेटर दिए हुए हैं, जिनमें से आपको एक लेटर करना है। इसी तरह से आपकी भी बोर्ड परीक्षा में दो लेटर दिया गया होगा, दो में से आपको एक लेटर करना होगा। अब प्याचे आज की क्लास में हम लोग पहले लेटर को करेंगे, इसमें दो लेटर है तो आपको पहले लेटर को आज की क्लास में करेंगे, और जो है दूसरे लेटर को कल की क्लास में करेंगे, मींस देखेंगे। तो प्याचे देखिए आपका पहला लेटर क्या है, ध्यान से देखिए क्या दिए हुए हैं। राइट अ लेटर टू दी सीएमओ, सीएमओ को आपको एक पत्र लिखना है। सीएमओ मतलब होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ का फुल फॉर्म होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, मीन्स आपके अपने जिले के, आपके अपने जिले के सीएमओ को एक पत्र लिखना है। रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे विनती करना है टू इनिशिएट, मीन्स शुरू करने के लिए अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम, मीन्स वैक्सीनेशन मीन्स होता है जो है आपका टीकाकरण प्रोग्राम, मीन्स होता है कार्यक्रम, टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने के लिए इन योर विलेज, मीन्स आपके अपने गांव में, आपकी अपनी गांव में टीकाकरण प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम को शुरू करने के लिए सीएमओ को एक पत्र लिखना है। तो अब भैया सीएमओ साहब को पत्र लिखना है, चलिए देखते हैं कैसे जो है पत्र लिखेंगे। आपको पूरा फॉर्मेट पता है प्याचे, पत्र लिखने का हमने इतने लेटर करा दिए हुए हैं, सभी लेटर में आपको फॉर्मेट बताते बताते थक चुके हुए हैं, तो इस लेटर में डायरेक्ट आपको बता देते हैं कि कैसे हमने किए हुए, बस इतना ही बताएंगे, ठीक है। फॉर्मेट में देखिए प्याचे, आपको शुरुआत में आपको एड्रेस लिखने होते हैं, हमने आपको कई बार बता चुके हैं, शुरुआत में आप अपनी एड्रेस लिखेंगे। हमारा एड्रेस यहाँ पर क्या है, 5A न्यू कॉलोनी मुरादगंज से, ये हमारा गांव का एड्रेस है। तो इसलिए प्याचे यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया, क्योंकि यहाँ पर विलेज दिया गया है ना, प्रोग्राम इन योर विलेज, गांव की बात किया गया, तो यहाँ पर शहर का कोई एड्रेस नहीं लिखेंगे, ये प्याचे हमारे गांव का एड्रेस है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखी हुई है 5A न्यू कॉलोनी मुरादगंज, ये हमारा गाँव का एड्रेस हो गया। अब यहाँ पर जो है नीचे देखिए, ये कहाँ पर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, तो इसलिए हमने नीचे लिख दिया लखनऊ उत्तर प्रदेश में। दो लाइन में आपने अपनी एड्रेस को लिख दिया, और इसके बाद आपको डेट लिखनी है, डेट देखिए नीचे लिख दिए हैं 30 दिसंबर 2022, तो डेट तक खेल हो गया। उसके बाद एक लाइन आपको छोड़नी है, और उसके बाद जिसको आप पत्र लिख रहे हो जो है उनका एड्रेस लिखो। पत्र आप किसको लिख रहे हो, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये सीएमओ का प्याचे फुल फॉर्म होता है, CMO, आप देख सकते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर, और जो है जिले का सबसे बड़ा जो है ये मेडिकल का अधिकारी कौन होता है, सीएमओ ही होता है। जिले का सबसे बड़ा डॉक्टरी में जो है कह सकते हो, सिंपल सा डॉक्टरी में जो है वो जिले का सबसे बड़ा जो है अधिकारी होता है वो सीएमओ ही होता है। जो आपका सदर हॉस्पिटल नहीं होता है, जो सरकारी वाला सदर हॉस्पिटल होता है, उसका जिले का मुख्य कौन होता है, सीएमओ ही होता है। तो भैया हम सीएमओ को पत्र लिख रहे हैं, तो हमने लिख दिया द चीफ मेडिकल ऑफिसर,
मतलब सीएमओ हो गया, और कहाँ की सीएमओ है, अगर हम लखनऊ के हैं तो जाहिर सी बात है इस सीएमओ भी कहाँ के होंगे, लखनऊ के होंगे। तो नीचे हमने क्या लिख दिए, लखनऊ लिख दिए। तो यहाँ पर इनका एड्रेस हो गया। अब इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, मीन्स विषय, किस विषय पर हम लेटर लिख रहे हैं, हम लोग इसे लिख देखते हैं। तो हमारा विषय क्या है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है गांव में शुरू करने के लिए ना, मतलब टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने के लिए गांव में ना, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमने सब्जेक्ट में लिखे हुए हैं टू इनिशिएट मीन्स शुरू करना अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वैक्सीनेशन मीन्स हो जाएगा टीकाकरण प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम इन दी विलेज मीन्स गाँव में जो है टीकाकरण प्रोग्राम को शुरू करना, ये हमारा जो है विषय है। और हमने सब्जेक्ट तक देखिए कैसे जो है सीधे सटीक लाइन में लिखे हुए हैं। अब उसके बाद से नीचे हमने लिखने हैं डियर सर लिखने हैं या रिस्पेक्टेड सर लिखना, जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं। तो हमने भी अच्छे देखिए आपका डियर सर लिखे हुए हैं, और डियर सर की कहाँ से शुरुआत करेंगे, कैसे करेंगे आपको पता है। अब जो उसके बाद जो हमने नीचे लाइन लिखे हुए हैं, उस लाइन का लाइनिंग कौन सा होगा, एड्रेस वाली लाइनिंग का लाइन होगा। जो पहली लाइन यहाँ पर डियर सर के नीचे लिखी हुई है, इस लाइन का आप जो है यहाँ पर देख रहे होंगे हमने कहाँ से लिखी हुई है, ये आपका जो एड्रेस वाली लाइन है उसके जस्ट नीचे लिखे हुए हैं। अब पूरे मैटर को लिखेंगे, पूरे मैटर को लिखने के बाद नीचे कंक्लूजन दे देंगे, आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से अच्छे अब पूरे मैटर को लिखते हैं कि मैटर क्या है, क्यों जो है हमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम की आवश्यकता है अपने गाँव में। तो जल्दी से देखते हैं और सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें भैया, लाइक की संख्या 100+ आप लोग जल्दी से पहुंचाओ। आप लोग लाइक बहुत कटौती करते हो, तो भैया लाइक में कटौती ना किया करो, तुरंत जो है वीडियो पे आया करो तो पहले लाइक ही कर दिया करो, ठीक है। अब अच्छे देखिए इसमें लिखे हुए हैं, This is to bring to your kind attention means मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, कराना चाहता हूँ, that we are a resident of मुरादगंज, मैं निवासी हूँ, resident means होता है निवासी, आप मुरादगंज लखनऊ means मैं मुरादगंज लखनऊ का क्या हूँ, निवासी हूँ, which has a population of around 4000 people, जहाँ की जनसंख्या, population means हो जाएगा जनसंख्या, around means लगभग 4000 people means 4000 लोगों की है, जहाँ की जनसंख्या लगभग 4000 लोगों की है, मतलब भैया हमारा गांव बड़वार गांव है, तो इसलिए जो है 4000 यहाँ लोग हैं। Among them children below the age of 14 years, और उनमें भी among them means उनमें भी children means बच्चे below the age of 14 years means 14 वर्ष के नीचे, और उनमें भी 14 वर्ष के नीचे के बच्चे एंड एडल्ट्स और बूढ़े एबव द एज ऑफ 50, और जो है जो ऐसे बूढ़े जो 50 वर्ष से ज़्यादा हैं आर दी मोस्ट मीन्स अधिकतर हैं, मीन्स हमारे गांव में अधिकतर जो है बच्चे हैं जो 14 वर्ष के नीचे हैं, और जो एडल्ट्स हैं बूढ़े हैं वो 50 वर्ष से ज़्यादा हैं। तो इसलिए भैया अगर 14 वर्ष के नीचे के बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें टीकाकरण की आवश्यकता होगी, क्योंकि छोटे बच्चों का ही टीका ज़्यादा लगता है ना, टिटनेस का टीका लगता है, टाइफाइड का टीका लगता है, बहुत सारे टीका लगते हैं बचपन में, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बूढ़े हो जाते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, तो इसलिए उन्हें भी टीका लगा करके सुरक्षित किया जाता है। जैसे आपने अभी देखा कोरोना वायरस आया हुआ था, तो कोरोना में जब पहला टीका लगना शुरू हुआ वो पहले एजेड व्यक्तियों को लगना शुरू हुआ ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है हमारे गांव में किसकी संख्या ज़्यादा है, 14 वर्ष से कम बच्चों की संख्या अधिक है, और जो है एडल्ट्स में जो 50 वर्ष से ज़्यादा हैं उनकी संख्या काफ़ी अच्छी खासी है। There are no big hospitals, और यहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, एंड नर्सिंग होम, और कोई नर्सिंग होम नहीं है इन आवर विलेज में, हमारे गाँव में, हमारे गाँव में कोई बड़ा हॉस्पिटल और नर्सिंग होम नहीं है। We have one primary health care. हमारे पास एक प्राथमिक हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर में होता है जहाँ पर चिकित्सा का काम होता है वही हेल्थ केयर हो जाएगा। We have one primary health care center. हमारे पास एक जो है हमारे यहाँ जो है एक प्राथमिक हेल्थ केयर सेंटर है, which sometimes runs out, जहाँ पर कभी कभी कमी हो जाती है, runs out में होता है कमी होना, जहाँ पर कभी कभी कमी हो जाती है of important vaccines, मतलब महत्वपूर्ण टीकों की, जहाँ पर कभी कभी महत्वपूर्ण टीकों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अर्थात हमारे गांव में एक छोटा सा प्राथमिक हेल्थ केयर सेंटर है, जहां पर जो है महत्वपूर्ण वैक्सीन्स मीन्स टीकों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो प्याची ये आपने इस पैराग्राफ में अपनी पूरी प्रॉब्लम दिखा दिए, आपने पूरी समस्या को दिखा दिए कि हमारे गांव में 4000 लोग हैं, वहां पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है, एडल्ट्स में जो 50 ईयर्स के ऊपर हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, और कोई हॉस्पिटल नहीं है, सारी समस्या आपने दिखा दिया।
अब जो है समस्या तो आपकी होगी, अब आपको इसका कंक्लूडिंग लाइन लिखना है, मतलब आप जो है सीएमओ साहब से क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, उसे आपको कंक्लूडिंग लाइन में लिखना है। और कंक्लूडिंग लाइन की शुरुआत कहाँ से होती है आपको अच्छी तरह से पता है प्यारे, ये जो आपका जो है एड्रेस वाली लाइन चल रही है, इसी एड्रेस वाली लाइन से जो है पैराग्राफ चेंज करके कंक्लूडिंग लाइन को लिखना प्रारंभ करेंगे। अब देखिए हमने कंक्लूडिंग लाइन में क्या लिखी हुई प्यारे, एक बार जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, लाइक में भैया आप लोग बहुत कटौती कर रहे हो, पहले लाइक करो उसके बाद जो है कंक्लूडिंग लाइन बताते हैं। तो यहां पर देखो प्यारे हमने कंक्लूडिंग लाइन में क्या लिखी हुई है, सो इटली इसलिए इट इज अ सिंसियर रिक्वेस्ट, सिंसियर मतलब होता है बहुत जो है जरूरी कह सकते हैं, सिंसियर मीन्स हो जाएगा बहुत जरूरी, मीन्स यथार्थ कह सकते हैं, जरूरी या यथार्थ, इसलिए यह यथार्थ रिक्वेस्ट विनती है टू यू मीन्स आपसे, टू काइंडली इनिशिएट मीन्स कृपया करके जो है शुरू करिए अ वैक्सीनेशन ड्राइव, ड्राइव मीन्स होता है कार्यक्रम, प्रोग्राम का अर्थ जो है एक तरह से ड्राइव होता है, ड्राइव मीन्स हो जाएगा कार्यक्रम, प्रोग्राम मीन्स भी हो जाएगा कार्यक्रम, ठीक है। अगर पूछ दे कि आपका ड्राइव का जो है सिनोनिम्स लिखिए तो आप प्रोग्राम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा यू टू काइंडली इनिशिएट, इसलिए जो है कृपया करके शुरू करिए अ वैक्सीनेशन ड्राइव, मीन्स एक जो है टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करिए इन आवर विलेज, मीन्स हमारे गांव में, सो दैट ताकि वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हम अपने आप को बचा सकें एंड आवर फैमिलीज और अपने परिवारों को बचा सकें अगेंस्ट एनी डिजीज, मीन्स किसी भी बीमारी के खिलाफ, मीन्स किसी भी बीमारी के खिलाफ हम अपनी आप को और अपने परिवार को ताकि क्या कर सकें, बचा सकें, तो इसलिए जो है आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम को क्या करिए, शुरू करिए हमारी विलेज में। वी होप दैट, हम आशा करते हैं यू विल सून टेक द रिक्वायर्ड एक्शन, आप जो है दैट यू विल सून, आप जल्दी ही टेक मीन्स लेंगे, रिक्वायर्ड मीन्स आवश्यक, एक्शन मीन्स कदम, मीन्स हमें आशा है कि आप जल्दी ही आवश्यक कदम उठाएंगे। तो यह है वी होप दैट, हम आशा करते हैं दैट यू विल सून टेक, मीन्स आप जो है जल्दी ही उठाएंगे द रिक्वायर्ड एक्शन, मीन्स आवश्यक कदम को, हमें इस बात की आशा है कि आप जो है जल्दी ही आवश्यक कदम को उठाएंगे, अर्थात आप हमारे गांव में जो है टीकाकरण प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। तो भी अच्छी ये आपका जो है, आप सीएमओ साहब से क्या चाहते हैं, आपने इसे कंक्लूडिंग लाइन में लिख दिया, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। पहले लाइन में पहले पैराग्राफ में हमने आपको बता दिया कि समस्या क्या है, हमने उस चीज़ को इंडिकेट कर दिए पहले पैराग्राफ में, और दूसरे पैराग्राफ में हमने कंक्लूडिंग लाइन में लिख दिए कि आप सीएमओ साहब से क्या चाहते हैं। तो भी अच्छी ये आपका जो है लेटर कंप्लीट हो गया। अब नीचे आपको क्या लिखने हैं, सीएमओ साहब को आपको धन्यवाद देने हैं, धन्यवाद देने के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, थैंकिंग यू का यूज करोगे, तो आपने थैंकिंग यू का प्रयोग कर दिया। और उसके बाद नीचे देखिए आपको क्या लिखने हैं, योर सिंसियरली लिखने हैं, तो हमने योर सिंसियरली लिख दिए। और नीचे आपको एक्स वाई जेड लिख देने हैं, या फिर आपको रेसिडेंट्स ऑफ मुरादगंज विलेज, हमने लिख दिया कि निवासी मतलब मुरादगंज के, मुरादगंज गांव का निवासी, मतलब इस पत्र को किसने लिखा है, मुरादगंज गांव का निवासी लिखा है। या फिर आप अपना नाम, अपना नाम तो आपको लिखने नहीं है, आप एक्स वाई जेड कर सकती हैं, मतलब आप जो योर सिंसियरली नीचे आप एक्स वाई जेड कर देंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अच्छी ये आपका छोटा सा बेहतरीन सा प्यारा सा जो है लेटर हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखो कितना आसान से लेटर आते हैं, अभी तक जितने हमने लेटर कराए गए हैं, बताओ कहीं पर कोई आपको टफ लेटर लगा कि नहीं, ये तो बहुत मुश्किल लेटर था, सारे लेटर्स जो है आसान थे, बस आपको जो है ये जो अंदर का मैटर होता है उसी मैटर को आपको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप जो है इंग्लिश में शब्दों को बनाकर लिखना सीख जाएंगे। आपके दिमाग में हिंदी में तो कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन उसे आप इंग्लिश में लिख नहीं पाते हो, तो यही प्याचे आप धीरे धीरे जो है जब प्रयास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, तो वो चीज़ भी आपके अंदर आ जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, अपने ढंग से जो है शब्दों को बना करके लिखने का अभ्यास करो, वो काम करोगे तो आपका आर्टिकल लिखने में भी मदद होगी, जहाँ पर ट्रांसलेशन करने में भी मदद होगी, बहुत सारी जगहों पर आपको मदद मिल जाएगी। तो इसलिए और क्वेश्चन आंसर को भी जो है करने में आपको मदद मिलेगी, तो इसलिए आप अपने मन से बनाकर लिखने की प्रैक्टिस करो प्याचे, इसे प्रैक्टिस कर लिए तो समझ जाओ कि आपका इंग्लिश का 80% काम हो जाएगा। तो इसलिए आप इसे प्रैक्टिस करना, ये आप सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। तो ये आज की क्लास हो गई, कल की क्लास भी अच्छे लेटर की अंतिम क्लास होगी, क्योंकि जो है 9 लेटर आज की क्लास की बात हो जाएगा, कल एक लेटर बचा रहेगा, कल की क्लास में आपका ये लेटर का भी बवाल कंप्लीट हो जाएगा।
तो प्याची आज की क्लास हो गई, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो जल्दी से अब आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और ध्यान दीजिए क्लास ट्वेल्थ की, खास करके क्लास ट्वेल्थ की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर आप कर दोगे, क्योंकि इस समय जितनी क्लासेस दे रहे हैं सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, कोई भी क्लासेस मिस करने वाली क्लासेस नहीं है। तो इसलिए भैया सभी बच्चा लोग को आप जो है वीडियो को शेयर कर देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब पेड क्लास के बच्चे जा सकते हैं, अब क्लास की यही समाप्ति करेंगे, तो पेड क्लास के बच्चे जा सकते हैं। जो बच्चे यूट्यूब के बच्चे हैं वे रुक सकते हैं, पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे, प्रोसेस क्या है और फीस क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बता देते हैं। बाकी जो है बच्चे पेड क्लास के हैं तो पीडीएफ ले, परेशान ना होना, क्लास जैसे कंप्लीट होगी 2 मिनट बाद आपको जो है क्लास के ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा। तो भैया अच्छी यहाँ पर देख लीजिए पेड क्लास की फैसिलिटीज़ लिखी गई हैं। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मीन्स फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं, ग्रामर की भी क्लासेस कंप्लीट होने वाली हैं। आपको सभी क्लासेस का पीडीएफ मिल जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मीन्स आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका पूरा प्रैक्टिस मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिविजन सीरीज देखने को मिलेगी, और ये रिविजन सीरीज आपको केवल पेड क्लास के ग्रुप में ही देखने को मिलेगी, और यह वही रिविजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। तो इसलिए आप इस रिविजन सीरीज की महत्व को समझ सकते हैं। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 out of 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस जो है 10 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच जो है आपकी फीस 499 से कम करके 399 रुपए कर दी गई है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इसी नंबर पर पेमेंट कर देंगे अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी भी अच्छे, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और जितने बच्चे अभी तक एडमिशन अपना नहीं कराए हुए हैं, आप अपना एडमिशन जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द से जल्द जो है अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लें, क्योंकि रिवीजन सीरीज आपकी शुरू होने वाली है। तो इसलिए भैया अब लापरवाही ना करना और जो है क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। हद में रह करके कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। तो इसलिए बच्चे आपको हद पार किसमें करनी है, मेहनत में करनी है। इतनी जबरदस्त मेहनत करो जिसमें आप हद पार कर दो, मेहनत करने मतलब रात दिन एक कर दो पूरी तरह से। ये सभी बच्चा लोग से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, 10वें लेटर के साथ मिलते हैं, मतलब लेटर की अंतिम क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यार बच्चों।